गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे वचन, हम लोग पढ़ रहे थे वचन, ठीक ना, हम लोग पढ़ रहे थे वचन। ये स्टैंडर्ड इन हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण पार्ट क्या, पार्ट छ वचन, वचन। ये बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे वचन, पढ़ रहे थे हम लोग है ना, आज पार्ट छ वचन। और बताया था वचन का अर्थ क्या हो गया, संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या। अब देखिए वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु संख्या का बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक है ना व्यक्ति या वस्तु को बोलता उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है ना, एक वचन दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे होता है, शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से है ना एक या एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन और हमेशा बहुवचन होते हैं, जिसे सदा एक वचन है ना, इसमें जाएगा सदा एक वचन, सदा एक वचन करते हैं, ये जो शब्द है हमेशा क्या होता है, सदा एक वचन करते हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे होश, जैसे एक सदा एक वचन, आकाश दूध है ना, पानी लोहा भीड़ आदि, सदा क्या होता है, ये एक वचन करते हैं, ठीक है। जैसे आकाश दूध, आकाश दूध है ना, आकाश दूध, ठीक है, लोहा भीड़, आकाश दूध लोहा भीड़, लोहा भीड़, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा क्या रहते हैं, ये सदा एक वचन रहते हैं, सदा एक वचन है ना, आकाश दूध पानी लोहा है ना, पानी और पानी और पानी और ये ना, ये हमेशा ये सदा एक वचन रहते हैं, सदा एक वचन रहते हैं, आकाश दूध लोहा भीड़ है ना, भीड़ हो गया और पानी, ठीक है, ये हमेशा सदा एक वचन में आते हैं। जैसे मान लीजिए वो वचन आकाश का क्या लिखेंगे, आकाश एक ही है, इस एक वचन हो गया, दूध, दूध का हम क्या बनाएंगे, उसका वो वचन नहीं बन सकता है ना, लोहा, लोहा का क्या लिखते हैं, लोहे नहीं लोहा, ठीक है, भीड़, भीड़ क्या लिखेंगे, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, ठीक है, पानी, पानी का बहुवचन हुआ एक वचन में, मैंने कुछ शब्द सदा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा क्या होते हैं, एक वचन में आते हैं बच्चे, उसको आप मैंने कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ गए, जैसे आकाश दूध लोहा भीड़ पानी है ना, पानी, ये क्या होता है, ये सदा क्या होता है, ये सदा आपका एक वचन होते हैं, ये सदा क्या होते हैं, एक वचन होते हैं है ना, ये सदा एक वचन होते हैं, ये सदा एक वचन होते हैं, एक वचन होते हैं, होते ठीक है, ये सदा एक वचन होते हैं, समझे, सदा वचन हमें अपनी उत्तर होगा, आकाश दूध लोहा भीड़ पानी, सब क्या होता है, सदा ये एक वचन होते हैं, इसको ध्यान से याद कर रखेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे, आपको कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं एक वचन होते हैं, ठीक है, आकाश हो गया, दूध हो गया, लोहा हो गया, भीड़ हो गया, पानी हो गया, ठीक है, और कुछ शब्द सदा ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वे बहुवचन होते हैं, वे बहुवचन, जैसे आकाश की कहता रहा, जैसे आकाश बोलने से आकाश एक ही है, आकाश एक है, दूध बोलने से दूध भी क्या हो गया, एक वचन, दूध का क्या हो जाएगा, बहुवचन दूध हो जाएगा, नहीं गलत है, दूध लोहा भीड़, भीड़ भी क्या होता है, एक वचन में ही आता है ना, पानी, पानी भी क्या है, एक वचन। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो बहुवचन में आते हैं, ठीक है, कुछ शब्द क्या होते हैं, वो हमेशा बहुवचन में आते हैं। अब देखिए बहुवचन में जो समझ के बच्चों, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा वो क्या होते हैं, वे बहुवचन में ही हमेशा वो शब्द आते हैं है ना, बहुवचन में,